तो अब हमारा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यहाँ तक ये कह रहे हैं कि एक कोन है हमारे पास में, ये कोन है, वो जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, और उसका जो कोन है उसका हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि ये चीज जो है जो हाइट है कोन का वो दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है हमको 60 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि जो रेडियस है ये कितना है 60 सेंटीमीटर, और उतना ही रेडियस हमारे इस हेमिस्फीयर का है। फिर कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड है हमारे पास में, इसको हम डाल रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर का। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है 180 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है 180 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस अरेंजमेंट को इस सॉलिड को हम इस सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, पानी से भरा हुआ है। तो जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, ये हाइट है 120, हाइट ऑफ कोन जो है 120 है, और जो रेडियस है ये वाला, ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर। तो एक कितना डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर, अब पूरा हो गया 180 सेंटीमीटर, मतलब कि जो पूरा सॉलिड है पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस अरेंजमेंट को इस सिलेंडर के अंदर एज इट इज हमने डाल दिया इसको, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। हमें निकालना है, कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमें निकालना है कि इस अरेंजमेंट को इसमें डालने के बाद सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा वो निकालना है। हमें निकालना है वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ये पूरा अरेंजमेंट है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो जब हम इसमें सब चीज़ ऐड करेंगे तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये पूरा आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारे पास में, और ये है पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास में जो बचा हुआ वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मेरे पास में आ जाएगा, और वो बराबर होगा जितना वाटर बचा है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन
सिलेंडर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है हमारे पास में ये 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है यहाँ पर जो ये एच है हमारा, ये जो एच है ये तो है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और ये वाला जो एच है हमारा ये है हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो मैं इसको एच वन मान लेता हूँ और इसको मैं एच टू मान लेता हूँ ताकि दोनों जो हाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएं आपस में। तो यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर और यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो पाई आर स्क्वायर एच वन माइनस प्लस माइनस होगा 1/3 एच टू। ठीक है, माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई आर क्यूब को लिखूँगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन निकालूँगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा पाई आर स्क्वायर एच वन माइनस में 1/3 एच टू माइनस में यहाँ पर आएगा 2/3 आर। ठीक है, बराबर पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई में जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 60 का स्क्वायर h1 है हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर है कितना 180 सेंटीमीटर, 180 माइनस में 1/3 मल्टीप्लाई h2 है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है, ये वाली हाइट कितनी है, ये है हमारे पास में 120 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास में 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर आएगा 120 माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई रेडियस, जो आर है वो रेडियस ऑफ कोन है, और रेडियस ऑफ कोन कितना है 60 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ कोन है वो 60 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 22 मल्टीप्लाई में 60 का स्क्वायर अपॉन 7 मल्टीप्लाई में ये 180 है, ये कितना आएगा, ये आएगा 40, ये आएगा 40, तो ये हमारे पास में आएगा 40, ये भी 40 आएगा 40, ये कितना हो गया 80 हो गया, 180 माइनस 80 कितना होगा 100। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है वो इतना आ गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, तो ये आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बचेगा इस सॉलिड को उस सिलेंडर में डालने के बाद। तो क्वेश्चन 4 है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कुआ है हमारे पास में, उसका डायमीटर में गिवन है 3 मीटर। ठीक है, और जितना गहरा हम उसे खोद रहे हैं उसका हाइट हमें गिवन है 14 मीटर। हम इस कुएं को यहाँ तक इसको डग कर रहे हैं और यहाँ तक हमें इसका हाइट दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, अब खोदने के बाद जो इसमें से अर्थ निकला है, जो मिट्टी निकली है, उसको हम एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में उसको अरेंज कर रहे हैं टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, जिसका विड्थ हमें गिवन है 4 मीटर, विड्थ हमें गिवन है 4 मीटर। तो यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट फॉर्म हो रहा है और इसका जो हाइट है वो हम h मान लेंगे, और हमें ये हाइट निकालना है
कि इसका हाइट कितना है, ठीक है, और हमें इसका जो विड्थ है वो दे रखा है कितना, वो है 4 मीटर। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर, ठीक है, और ये 3 है, तो जो पूरा डिस्टेंस है हमारे पास में ये वाला, ये है 11 मीटर, ठीक है। अब हम इसके रेडियस को मान लेते हैं, जो छोटा वाला जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है हमारे पास में, इसका रेडियस जो है वो R1 मान लिया, इसका हाइट H1 हो गया, ठीक है, और जो बड़ा वाला सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास में, उसका रेडियस R2 है और हाइट इसका H2 है, और ये H2 हमें निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं निकालूँगा कि जो हमने अर्थ निकाला है, जो मट्टी निकाली है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम मैं V1 मान ले रहा हूँ, V1 होगा पाए R1 स्क्वायर H1, पाए R1 स्क्वायर H1 होगा, ठीक है, और V2 जो वॉल्यूम है, जो V2 वॉल्यूम है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू फॉर्म एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो वॉल्यूम है वो निकालना है इसका, हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। तो V2 बराबर होगा जो बड़े वाले जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, जो बड़ा वाला सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा पाए R2 स्क्वायर H2। मैं इसमें से माइनस करूँगा, जो छोटा वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा पाए R1 स्क्वायर H2। जो हाइट है वो H2 है, बस इनका रेडियस जो है वो चेंज हुआ है, पहले रेडियस R2 है और बाद में रेडियस जो है R1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाए कॉमन आएगा, H2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ये जो V2 है, जो ये V2 है ये बराबर होगा V1 के, क्योंकि हम उसी अर्थ का यूज़ कर रहे हैं जो अर्थ हमने निकाला है इसके वेल के अंदर से, और उसका वॉल्यूम कितना है, पाए R1 स्क्वायर H1, तो ये बराबर होगा पाए R1 स्क्वायर H1 के, ठीक है। पाए से पाए कैंसिल होगा और H2 हमें निकालना है, तो H2 R2 जो है इसका डायमीटर 11 है पूरा, तो R2 बराबर होगा 11/2 मीटर, ठीक है। तो ये है 11/2 × 11/2 माइनस में R1 जो है पूरा डायमीटर कितना है, 3 मीटर है, तो R1 का वैल्यू होगा 3/2 मीटर, यहाँ पर आएगा 3/2 × 3/2, ठीक है, बराबर में R1 कितना है, 3/2 × 3/2 × H1 है हमारे पास में, 14 मीटर है, यहाँ पर आएगा 14। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, H2 × 1 × 1/4 माइनस में 9/4 इज इक्वल टू 63/2, ठीक है। तो H2 इंटू में आएगा, L से में आएगा 4 और आएगा 1/2 बराबर 63/2, यहाँ पे 2 आएगा, ये होगा हमारे पास में 5 और 6। तो यहाँ पे हमारे पास में H2 बराबर होगा 63/56 और ये आएगा हमारे पास में 9/8 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो हाइट है इसका एम्बैंकमेंट का, जो हाइट है H2 वो आ रहा है 9/8 मीटर।
तो यार है 9/8 मीटर।